हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार LDC एग्जाम, CET एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। विज्ञान के अंतर्गत हमारा सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। केवल एक टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बचा है और बायोटेक्नोलॉजी जो है आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम गणित के अंतर्गत 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। बची हुई 2 यूनिटों को भी बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास विज्ञान के अंदर हमारी 127वीं क्लास है। इससे पहले की 126 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट के अंदर सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज एकदम अवेलेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और ये बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली BT फसल के बारे में और GEAC क्या है इसके बारे में, और माही को एक कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे, क्योंकि ये आपके बायोटेक्नोलॉजी का ही थोड़ा सा भाग है। इसलिए क्लियर, तो चलिए और बता दूं आपको, आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, जो आपको ज्यादा टेंशन दे रहा होगा दिमाग के अंदर, इससे एक क्वेश्चन भी नहीं आया है। मतलब 4 पेपर हुए थे, उसमें कहीं जो है चारों पेपर में मिलाकर 2 या 3 ही क्वेश्चन थे, और वो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल। एक था GMO की फुल फॉर्म, एक था फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में कि वो जो है कैसा होता है, उसमें क्या गुण है। तो उसमें क्या गुण है मैंने आपको बताया ही है, जल्दी जो है खराब नहीं होगा और जल्दी मुलायम नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन था। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन या ज्यादा डीप में इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, और 2-4 पेपर में मिलाकर 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब एक आध क्वेश्चन आने की ही पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है स्टैटिक्स वाला, उस पर ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी पर, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जरूर 4-4, 3-3 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि BT फसलें क्या होती है और इसके बारे में क्या बताया जाता है, क्या क्या याद रखना है। तो देखिए BT फसलें, अगर यहां पर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो BT शब्द है इसका मतलब क्या है। तो BT शब्द का मतलब होता है बेसिलस थुरिन जिनसिस। क्या? बेसिलस थुरिन जिनसिस, ये इसका जो है BT का फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, बेसिलस बेसिलस थुरिन जिनसिस। ठीक है, बेसिलस थुरिन जिनसिस, ये है इसकी फुल फॉर्म। BT का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। और ये बेसिलस थुरिन जिनसिस जो होता है, ये बेसिकली मृदा के अंदर यानी मिट्टी के अंदर रहने वाला एक जीवाणु है। तो आप क्या लिखेंगे, मृदा में रहने वाला जीवाणु। ठीक है, मृदा में रहने वाला जीवाणु है ये, और कुछ भी नहीं है। BT का मतलब बेसिलस थुरिन जिनसिस, और ये मृदा में रहने वाला जीवाणु है। अब आपको इसके बारे में और क्या याद रखना है, तो देखिए अब आप यहां लिखेंगे कि 1985 के अंदर, कब? 1985 में, 1985 में बेल्जियम की एक कंपनी है, कहां की? बेल्जियम की। और बेल्जियम की कंपनी थी प्लांट जेनेटिक सिस्टम। क्या? प्लांट जेनेटिक सिस्टम। तो ये लिखिए कि 1985 में बेल्जियम, ठीक है, कहां पर? बेल्जियम की कंपनी की कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम। कौन सी कंपनी है? प्लांट जेनेटिक सिस्टम एक कंपनी है। कहां की है? बेल्जियम की। ये बात आपको याद रखनी है। और ये ऐसी प्रथम कंपनी है, यह ऐसी प्रथम कंपनी के रूप में उभरी जिसका उद्देश्य
बीटी यानी कि बैसिलस थुरिनजिनसिस, ठीक है। तो बैसिलस थुरिनजिनसिस के क्राई जीन का, इसके अंदर पाया जाने वाला एक क्राई जीन है, ठीक है, इसी का सब कुछ यहां पर जो है बात होने वाली है। तो क्राई जीन द्वारा द्वारा कीट, क्राई जीन द्वारा कीट सहनशील आनुवांशिक, कीट सहनशील आनुवंशिक, कीट सहनशील का मतलब क्या हो गया कि वो कीटों को सहन कर सके, यानी अगर कीट जो है डंक वगैरह मारेगा तो उससे वो जो है खराब नहीं होगी, जिसके भी अंदर ये क्राई जीन जाने वाला है। तो क्राई जीन के द्वारा कीट सहनशील आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित, अभियंत्रित, अभियंत्रित मतलब इंजीनियर, मॉडिफाइड किया होगा, अभियंत्रित तंबाकू, तंबाकू के पौधे, तंबाकू के पौधे को विकसित करना था, को विकसित करना था, ठीक है। तो बेसिकली 1985 के अंदर बेल्जियम की एक कंपनी है, प्लांट जेनेटिक सिस्टम, जिसका ये उद्देश्य था कि जो ये बीटी है, कौन, बेसिलस थुरिनजिनसिस, इसके अंदर पाया जाने वाला क्राई जीन जो है उसको किसी अन्य पौधे या किसी भी जीव जंतु के अंदर पहुंचाया जाए, ताकि वह पौधा या जीव जंतु जो है कीटाणुओं से क्या हो जाए, सहनशील हो जाए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, तो सबसे पहले इन्होंने तंबाकू को लिया था, या तंबाकू का पौधा ऐसा विकसित करने का सोचा। तो क्या याद रखोगे, कब, 1985। एक चीज याद रखना, कहां पर, बेल्जियम में, कौन सी कंपनी, प्लांट जेनेटिक सिस्टम। क्या उद्देश्य था इसका, तो इसका उद्देश्य था क्राई जीन के द्वारा कीट सहनशील बनाना। क्या, कीट सहनशील बनाना, किसको कीट सहनशील बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों, तंबाकू के पौधे को, किसको बनाना है, तंबाकू के पौधे को। तो जल्दी से बोलेंगे एक साथ मेरे साथ में, क्या, कि बेसिलस थुरिनजिनसिस, क्या, बेसिलस थुरिनजिनसिस यानी कि बीटी जो फसल है, वो आपका ये जो बीटी, ये जीवाणु है, इसके अंदर से क्राई जीन को निकालकर जब हम किसी फसल या किसी पौधे के अंदर पहुंचाते हैं, और तब जो फसल बनती है उन्हीं फसलों को बीटी फसलें कहेंगे। और इन्हीं बीटी फसलों के बारे में अब अपन बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, तालियां बजाओ जोरदार, है ना, अगर बातें समझ में आती है तो। सर तालियां क्यों बजाए, अरे तालियां इसलिए बजाओ ताकि आपका जो है ये कंसंट्रेशन बना रहे और आपको पढ़ने में मजा आता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अरे भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखेंगे अब इसके बारे में कि ये क्राइजीन जो बेसिकली क्या कर रहा है। तो लिखिएगा कि यह क्राई, अच्छा रेड चल रहा है, लो भैया ब्लैक, यह क्राई जीन जो है वो क्या करता है, क्राई प्रोटीन नामक विष उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, तो ये जो है क्राई प्रोटीन नामक एक जो है विष होता है, जहर होता है, उसको जो है उत्पन्न करता है, जो बीटी नामक, जो ये जो बीटी नामक जीवाणु है, बीटी नामक जीवाणु यानी कि बेसिलस थुरिनजिनसिस जीवाणु से निकलकर, से निकलकर किसी अन्य जीव, किसी अन्य जीव में, किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जाता है या हस्तांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया, स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है बीटी फसलों के बारे में जान गए हैं, समझ में आ गई है बातें, तो अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद में आगे की चीजों को पढ़ते हैं। देखिए बीटी फसल हमें समझ आ गया, बीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, तो याद रखना बेसिलस थुरिनजिनसिस। अब देखिए
जो ये बीटी कपास है हमारे पास में, देखो अब एक फसल बनकर आ रही है, कौन सी? बीटी कपास। आपने नाम सुना होगा, बीटी सरसों भी सुना होगा, है ना? तो वो सब यही है। तो बीटी कपास ये क्या करता है? तो बीटी कपास जो कि कौन से कीट से, लेपिडो पटेरा, कौन सा? लेपिडो, लेपिडो पटेरा, लेपिडो पटेरा, ठीक है? तो बीटी कपास जो कि लेपिडो पटेरा नामक कीट से, नामक कीट से बचाव, ठीक है? कौन से कीट से? तो लेपिडो पटेरा नामक जो कीट है उससे बचाव करता है। तो बेसिकली क्या होता था कि कपास की जब खेती होती थी उसके ऊपर लेपिडो पटेरा नामक कीटाणु आता था या कीट आ जाता था और वो उस फसल को खराब करता था। अब फसल जब लगातार खराब होती थी तो किसान परेशान होने लगे। तो हमारे जो भारत देश के महान वैज्ञानिक या विश्व के जो महान वैज्ञानिक है, उन्होंने सोचा कि यार इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। और इसका इलाज एक ही है कि बीटी कपास बना दो, यानी उसके अंदर बैसिलस थुरिंजिनसिस डाल दो, और वो क्या करेगा, उसके अंदर जो क्राइजीन है वो विष को डेवलप करेगा, और उस विष को जैसे कीट कांटेक्ट में आएगा, कीट खत्म हो जाएगा, फसल अच्छी रह जाएगी। तो बीटी कपास जो है लेपिडो पटेरा नामक कीटाणु से बचा सकता है या कीट से बचा सकता है, ये याद रखना। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है 1995 के अंदर, कब? 1995 में, है ना? तब क्या हुआ, जब आपका जन्म हुआ होगा तब तो देखो आलू के पौधे में हम क्या कर रहे थे। तो 1995 में आलू के पौधों द्वारा, आलू के पौधों द्वारा उत्पादित, आलू के पौधों द्वारा उत्पादित बीटी विष, उत्पादित बीटी विष, ये बीटी विष का मतलब वही है, क्राइजिन जब आलू के अंदर गया तो वो क्या करेगा, ऐसा जो है अपने बाहर ऐसा द्रव जो है छोड़ेगा, जो द्रव क्या होगा, विष होगा, ठीक है? तो विष पहली पहली कीटनाशी, पहली कीटनाशी उत्पन्न करने वाली फसल थी, उत्पन्न करने वाली फसल थी। समझ में आ गई बात? तो जो हमारे पास में 1995 की बात करें तो आलू का पौधा था, उसके अंदर जैसे ही बीटी नामक जो है आपका क्या, इसका जो क्राइजीन था उसको डाला गया, तो वो आलू का पौधा अब क्या करने लगा, अपने अंदर से जो विष है उस कीटनाशी को, जो कीट को नाश करने वाला विष है वो विष उत्पन्न करने लगा। उससे क्या हुआ, आलू बचा रहा, और जैसे ही कीट कांटेक्ट करेगा भाई इसको खराब करने के लिए, तो वो उस विष के कांटेक्ट में आता था और वो कीटाणु ही खत्म हो जाता था। तो बीटी विष उत्पन्न करने वाला या ऐसी कोई फसल जो कीटनाशी उत्पन्न करती थी, वो 1995 में सबसे पहले कौन सी फसल थी, आलू की फसल थी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास में अब बॉल गार्ड तकनीक आ जाती है। कौन सी तकनीक? बॉल गार्ड तकनीक। बॉल गार्ड दो प्रकार की तकनीक है, एक है बॉल गार्ड फर्स्ट, एक है बॉल गार्ड सेकेंड। अब ये क्या है इसके बारे में आप लिख लीजिए, हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आए, आए भी नहीं है अभी तक तो कहीं, क्योंकि थोड़ा डीप है, लेकिन फिर भी लिखो, ठीक है? बॉल गार्ड फर्स्ट बीटी कॉटन, बॉल गार्ड फर्स्ट बीटी कॉटन, इसका मतलब हो गया एकल जीन प्रौद्योगिकी। कैसी प्रौद्योगिकी है? तो एकल जीन प्रौद्योगिकी, यानी केवल और केवल एक जीन का ट्रांसफर होगा, तो उसे हम नाम दे रहे हैं बॉल गार्ड फर्स्ट। तो बीटी कॉटन यानी बीटी कपास ही है, ठीक है? एकल जीन प्रौद्योगिकी भारत की पहली, भारत की पहली बायोटेक, पहली बायोटेक, बायोटेक, पहली बायोटेक फसल प्रौद्योगिकी है, फसल प्रौद्योगिकी है, ठीक है? जिसे 2002 में, कब? 2002 के अंदर,
जिसे 2002 में क्या किया गया, भारत में व्यवसायीकरण यानी कि कॉमर्शियल यूज, भारत में व्यवसायीकरण के लिए क्या करने के लिए, व्यवसायी है ना, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित, के लिए अनुमोदित, अनुमोदित यानी भाई एक वह प्रस्ताव रखा गया, अनुमोदित इसको अनुमति दी गई, इस प्रकार से अनुमोदित किया गया। ठीक, तो ये बात याद रखना कि 2002 के अंदर बॉल गार्ड फर्स्ट बीटी कॉटन जो है वो भारत की ऐसी पहली बायोटेक फसल थी जिसको अनुमति मिली थी व्यवसायीकरण के लिए। बॉल गार्ड फर्स्ट का मतलब है एकल जीन प्रौद्योगिकी पर आधारित, यानी एक ही जीन का जो है चेंज किया गया होगा। इसके बाद में दूसरा आ जाता है कि इसके बाद भारतीय बायोटेक फसल के लिए लिखेंगे, इसके बाद भारतीय, इसके बाद भारतीय बायोटेक, भारतीय बायोटेक फसलों के लिए, बायोटेक फसलों के लिए नियामक निकाय यानी रेगुलेटरी है ना, नियामक मतलब रेगुलेटरी, क्लियर, नियामक निकाय यानी सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम सॉरी निकाय यानी कि आप ये कह सकते हैं बॉडी है ना, तो रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम है आपका क्या, जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसकी बात अपन ने अभी करी है, इंजीनियरिंग है ना, जीईएसी यही है वो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, अप्रूव एक सेकेंड, अप्रूवल कमिटी, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जीईएसी के द्वारा, जीईएसी द्वारा कब, वर्ष 2006 के मध्य के द्वारा, 2006 के मध्य, ठीक है, 2006 के मध्य में डबल जीन प्रौद्योगिकी, कैसी, ये देखो ऊपर क्या थी, एकल जीन प्रौद्योगिकी, अभी बात कर रहे हैं डबल जीन प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो डबल जीन प्रौद्योगिकी बॉल गार्ड सेकेंड, कौन सी, बॉल गार्ड सेकेंड जो थी, बॉल गार्ड सेकेंड का मतलब है डबल जीन प्रौद्योगिकी। ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बॉल गार्ड फर्स्ट के अंदर कितने जीनों का ट्रांसफर, तो एकल जीन, बॉल गार्ड सेकेंड के अंदर डबल जीन, ठीक है, तो डबल जीन प्रौद्योगिकी बॉल गार्ड सेकेंड को अनुमोदित किया गया, अनु मोदित किया गया। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, तो बॉल गार्ड फर्स्ट और बॉल गार्ड सेकेंड क्या है, ये थोड़ा सा हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए। फर्स्ट का मतलब एकल जीन प्रौद्योगिकी है और सेकेंड का मतलब है डबल जीन प्रौद्योगिकी, और इन दोनों को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जीईएसी के द्वारा 2006 के मध्य इसको, और इसको कब मिला था, 2002 में व्यवसायीकरण के लिए अनुमति मिली। अभी हम आगे बात करेंगे कि जीईएसी जो है इसकी स्थापना कब हुई और ये क्या करती है। ठीक, चलो इसके बाद में आगे हमारे पास में आ जाता है, जिसके ऊपर हाल ही में अभी भी जो है लगातार पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर अभी प्रतिबंध लगाया है, इससे पहले इसके ऊपर कई प्रकार की बहसें वगैरह चलती रहती है, और ये आप आए दिन अभी न्यूज में अभी पढ़ रहे होंगे, जीएम सरसों की बात करते हैं, किसकी, जीएम सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ठीक, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों इसकी बात करते हैं अब, और इसके अंदर DMH11 इसका नाम है, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की किस्म है उसका नाम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है, वो भी आगे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो जीएम सरसों के बारे में बात करें, तो बेसिकली एक सरसों जो है आपने देखा होगा
उस सरसों की प्रजाति होती है, ब्रैसिका जसिया। कौन सी? ब्रैसिका जसिया एक जो है इसकी प्रजाति होती है। उसके अंदर हमने क्या किया, आनुवांशिक रूप से संशोधित करके एक नई किस्म बनाई है, एक नई संकर किस्म बनाई है हाइब्रिड, और वो है DMH11। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। DMH11 को भारत के अंदर ही, भारत की ही यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। हालांकि इसके ऊपर जो है अभी पूरी तरह से इसको बंद रखा गया, अभी मतलब ये कहीं यूज में नहीं आ रहा है। तो देखो लिखेंगे DMH11 सरसों, एक मिनट है ना, DMH11 सरसों की प्रजाति, सरसों की प्रजाति। कौन सी प्रजाति? तो ब्रैसिका जसिया। ठीक है, प्रजाति ब्रैसिका जसिया, ब्रैसिका जसिया की आनुवांशिक रूप से, की आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से संशोधित, संशोधित संकर किस्म है इसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित किया गया, द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें इसमें मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से बार, बार मतलब, अरे भैया कोई गलत मत लेना, बार का मतलब ये इसका जीन है, फिर दूसरा इसके अंदर एक जीन हुआ है बारनेज तथा, बार बारनेज तथा बार स्टार। ठीक है, ये तीनों याद रखना, ये कौन से इसके अंदर जीन यूज हुए हैं, बार बारनेज बार स्टार जीन। ठीक है, बार स्टार जीन प्रणाली शामिल, प्रणाली शामिल थी। क्लियर? चलिए अब देखो इसके अंदर किसका क्या काम है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतना ज्यादा डीप में तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा। तो बारनेज जीन जो था वो क्या करता था कि पुरुष जनन समता, क्या? पुरुष जनन असमता, पुरुष जनन असमता की समस्या पैदा करता है, कि समस्या पैदा करता है। कौन? तो बारनेज जो जीन है, बारनेज जीन वो क्या करेगा, पुरुष जनन असमता की समस्या पैदा करेगा। इसके बाद में दूसरा हमारे पास में आ जाता है बार स्टार, कौन सा आ जाता है, बार स्टार जीन। ठीक है, तो बार स्टार जीन उपजाऊ बीज पैदा करने, उपजाऊ बीज पैदा करने की DMH11, कैसा, DMH11 की समता को, की समता को, की समता को पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापित यानी रीस्टेबलाइज्ड। ठीक है, पुनर्स्थापित करता है, क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है किसको, तो बीज जो है वो पैदा करने की, DMH11 के अंदर जो क्षमता आएगी उपजाऊ बीज पैदा करने की जो
DMH 11 में समता आने वाली है इस किस्म के अंदर, वो किस वजह से आती है? बार स्टार जीन की वजह से आती है। बार्नेज तो क्या करता है, पुरुष जनन जो असमता है उसकी समस्या पैदा करता है, और जो हमारे पास में आगे आ जाता है बार जीन, वो बार जीन क्या करता है, तो बार जीन जो है वो DMH 11 को फॉस्फिनोथ्रीसिन, क्या फॉस्फिनोथ्रीसिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये इतना बड़ा नाम है ना, और एक होता है ग्लूकोसिनेट, इनके प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार एंजाइम का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। कौन? बार एंजाइम। तो जितना छोटा नाम है वो उतना ही बड़े काम कर रहा है, तो लिखेंगे बार जीन, ठीक है, बार जीन का सम्मिलन, बार जीन का सम्मिलन DMH 11, DMH 11 को फॉस्फो, क्या फॉस्फो, एक सेकेंड लिखेंगे आप वापस से, फॉस्फी नो, ठीक है। ये देखो भाई, ऐसे लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जो है अलग नाम आएगा, फिर गलती कराओगे। तो फॉस्फिनो थ्रीसिन, क्या नाम है? फॉस्फिनो थ्रीसिन। अभी आगे और चल रहा है, फॉस्फिनो थ्रीसिन के बाद में एन, फॉस्फिनो थ्रीसिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्या एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफरेज, और गुलफ्रोसिनेट, ठीक है, गुलफ्रोसिनेट प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार एंजाइम का, अभी नहीं समझ आया हो तो आ जाएगा, एक बार लिख लो, जिम्मेदार एंजाइम का उत्पादन, जिम्मेदार एंजाइम का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बार जीन है वो क्या करता है, DMH 11 जो किस्म है उसको फॉस्फिनोथ्रेसिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज और ग्लूफोसिनेट, इनके प्रतिरोध के लिए, ये दो क्या है, तो अलग प्रकार के, एक आप ये मान सकते हैं कीटाणु है या जो सरसों की फसलों को नष्ट करते थे, बस इतना याद रखो, ये क्या करते हैं, तो इनके प्रतिरोध के लिए जिस एंजाइम की हमें जरूरत थी उस एंजाइम का स्टाफ जो है उत्पादन इस DMH 11 में कौन करता है, बार जीन करता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो बार जीन का क्या काम है, गुल ग्लूफ्रोसिनेट और फ्रोस्फिनोथ्रीसिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज का क्या करना, विरोध करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में GM सरसों DMH 11 के बाद आ जाता है BT बैंगन, कौन आता है, BT बैंगन, ठीक है। तो हम बात करेंगे BT बैंगन की, तो BT बैंगन पौधे, BT बैंगन पौधे, बीटी बैंगन पौधे लेपिडोप्टेरान, ये जो अभी जस्ट अपने पास में ये नाम आ चुका है ना, ये कीटाणु कौन सा कीटाणु है, लेपिडोप्टेरान, पटेरान, लेपिडोप्टेरान कीटों के प्रति प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस, इनको रोक सकते हैं, इनका विरोध कर सकते हैं, प्रतिरोधकता रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो बीटी बैंगन है वो भारत के अंदर प्रतिबंधित है, क्योंकि ये जो है आपके मानव के ऊपर अलग अलग 33 प्रकार के टोटल अभी तक बताए गए दुष्प्रभाव है किसके, तो बीटी बैंगन को जब मानव के द्वारा यूज किया जाता है तो मानव के शरीर पर अलग अलग प्रकार के
33 दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। इस वजह से अभी ये भारत के अंदर प्रतिबंधित है। लेकिन इसको भारत में बनाया किसने था? तो भारत में लिखेंगे, भारत में बीटी बैंगन माहिको ये कंपनी है, इसकी भी अपन आगे भी बात करेंगे, ठीक है। जीईएसई और माहिको, इन्हीं दो के बारे में भी बात करनी है। तो बीटी बैंगन जो है वो माहिको के द्वारा विकसित किया गया, माहिको द्वारा विकसित किया गया था। तो ये बीटी बैंगन को जो है विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? माहिको को जाता है। और ये माहिको क्या है? तो महाराष्ट्र संकर बीज कंपनी, ये क्या है? महाराष्ट्र संकर बीज कंपनी है। इसके अपन अभी आगे बात करेंगे। महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉर्पोरेशन है ये, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया होगा और आगे लिख लेना, यह भारत में प्रतिबंधित है। भारत में प्रतिबंधित, भारत में प्रतिबंधित है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में देखिए अब तीन शब्द हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है मोनसेंटो, एक पढ़ना है माहिको और एक पढ़ना है जीईएसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मोनसेंटो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो मोनसेंटो की बात करते हैं। मोनसेंटो बेसिकली, मोनसेंटो जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है। जैसे हम माहिको की बात करेंगे, उससे पहले मोनसेंटो को समझना जरूरी है। मोनसेंटो जो है वो अमेरिका के अंदर एक बड़ी कंपनी है जो क्या कार्य करती है, तो बहुराष्ट्रीय ये कृषि जैव प्रौद्योगिकी निगम है, ठीक है। कौन? ये मोनसेंटो कंपनी। ये क्या करती है? तो ये बेसिकली जो हमारे पास में, जैसे आपने बायो पेटेंट के बारे में पढ़ा, तो जो ये जीएम सरसों है या बीटी कपास है या जो भी अपन ये मॉडिफाइड जीएम मॉडिफाइड जितनी भी फसलें हैं उनके ऊपर पेटेंट का लाने का अधिकार होना चाहिए, ये बात और ये सब कुछ लाने का श्रेय जो है इस मोनसेंटो को ही जाता है। इसी के द्वारा ये जो है पूरे के पूरे अभी विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल पर कार्य कर रहा है तो वो ये एक ही कंपनी है, मोनसेंटो कंपनी। इसी के द्वारा जो है भारत के अंदर ये जैसे बीटी कॉटन हो गया, ये बीटी बैंगन हो गया, इन सभी के अंदर इसी के द्वारा सहयोग किया गया था, माहिको वगैरह का, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है बीटी बैंगन जब लाया गया तो इसके ऊपर फिर अभी जो है वर्तमान में रोक लगा दी गई है क्योंकि उसके दुष्प्रभाव है। तो मोनसेंटो क्या है? तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय, लिखेंगे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी क्या? कृषि जैव प्रौद्योगिकी निगम मोनसेंटो कंपनी के नाम से जानी जाती है। आप तो बस इतना याद रखना, जीएम फसलें जितनी भी है उसमें अगर कोई सबसे बड़ी कंपनी है तो वो मोनसेंटो कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसकी बात कर लेते हैं। तो मोनसेंटो का जो मुख्यालय है वो है दो जगह पर, कहाँ? सॉरी, दो जगह नहीं, क्रिवर कॉइर और दूसरा जो इसका मतलब एक कह सकते हैं भाग या दूसरा जो इसका ऑफिस बना हुआ है वो मिसौरी। तो इस प्रकार से इसके दो ऑफिस हो गए, तो दो हेडक्वार्टर कह देना, क्रिव कॉइर और एक हो जाएगा कौन सा आपका? मिसौरी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये अब अपन जो है भारत पर बात करते हैं। ये तो विश्व लेवल की बात हो गई, अब भारत के अंदर कौन सी कंपनी है? तो भारत में है माहिको। कौन सी है? भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है भाई, इसकी किसकी संकर बीज वगैरह उत्पन्न करने की, वो है माहिको। अब माहिको की सबसे पहले फुल फॉर्म है महाराष्ट्र संकर
महाराष्ट्र संकर निगम, ठीक है। ये जो माही को शॉर्ट फॉर्म आती है वो इसके किससे निकल कर आई है, तो महाराष्ट्र से तो ले लिया एम ए यानी महा, ठीक है। इसके बाद में संकर से ले लिया एच ए हाइब्रिड से, और निगम से ले लिया कॉरपोरेशन सीओ, तो माही को, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर ये एच आई लिया है, भाई हाइब्रिड है ना, हाफ ग्रोथ थोड़ी है, हाइब्रिड, तो ये माही को, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है जलाना महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है, जलाना महाराष्ट्र के अंदर इसका जो है हेड क्वार्टर है, सॉरी जलाना नहीं, जालाना, जलाना नहीं है किसी को भी, ठीक है, जालाना, ठीक है, जालना, ये याद रखना, जालना जो है वो इसका हेड क्वार्टर है। इसके बाद में जो आपके पास में पहला पॉइंट याद रखना है, वो याद रखना है कि 1985 में, कब, 1985 के अंदर पहली कपास संकर किस्म, पहली कपास की जो संकर किस्म थी, कपास संकर किस्म, पहली कपास संकर किस्म जो थी वो कौन सी थी, एम ई सी एच फर्स्ट, या एम ई सी एच आई, आप तो सीधा सीधा याद रखो। इसको जो है जारी किसने किया था, तो इसको आपके माहिको के द्वारा ही किया गया, कब, 1985 के अंदर। तो कपास की पहली संकर किस्म का नाम पूछा जाए तो एम ई सी एच आई, और इसे जारी किसने किया, माहिको ने, कब किया, 1985 में, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से देखिए। अब एक आपको याद रखना है कि 1989 में, कब, 1989 में, ये दूसरा पॉइंट इसका याद रखना, 1989 में, 1989 में भारत सरकार के द्वारा जो है इसने जो रिसर्च किया, डेवलपमेंट का कार्य किया, उसके लिए इसको 1989 के अंदर राष्ट्रीय पदक भी दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया, राष्ट्रीय पदक, ये बात आपको याद रखनी है। कब जीता था ये राष्ट्रीय पदक, 1989 के अंदर, किसने, माहिको ने। इसके बाद लास्ट तीसरा नंबर अपने पास आ गया जीईएसी का, ठीक है, और जीईएसी की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी है। क्या बता दिया है, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमिटी, तो आप लिख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियर, मैं शॉर्टकट अब साला ईएनजी लिख रहा हूं केवल, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी, ठीक, ये आपको याद रखना है, जेनेटिक अप्रूवल कमिटी। और इसका जो गठन है वो कब हुआ, तो जीईएसी का गठन जो किया गया है, बेसिकली ये गठन पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम है, एक आपको पता होगा है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको पता है कौन सा है, 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है इसका जो है क्या किया गया था, के तहत, ठीक है, जो आपका ये जीईएसी है इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, ये बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ये जितनी भी जेनेटिकली आपके फसलें बनाई जा रही है मॉडिफाइड करके, उनका अप्रूवल जो देता है वो ये जीईएसी ही देता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, क्लियर। ये जो है आपका, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया या किसके तहत, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपके बायोटेक्नोलॉजी का आज भाग पूरा होता है। एक लास्ट में और थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, टर्मिनेटर बीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक वर्ड और आप यूज कर लेना, टर्मिनेटर बीज। वैसे आप अगर टर्मिनेटर का मतलब जानते हैं तो आप समझ गए, टर्मिनेटर बीज। तो देखिए,
टर्मिनेटर बी जो है वो केवल एक बार उपयोगी है, केवल एक बार उपयोग, इनका जो उपयोग है वो केवल आप एक बार कर सकते हो। कैसे सर? देखिए, आपने देखा होगा पुराने समय में, यानी आज से अगर 5 साल 10 साल पहले की बात करूं, तो आपके घर पे क्या होता था, एक खेत है, उस खेत के अंदर गेहूं बोए गए, फिर क्या करते थे, थोड़े से गेहूं जो है हम बचा करके रखते थे कि अगली साल इनको बीज के रूप में उपयोग में लेंगे, ताकि अपने को बीज का पैसा नहीं देना पड़े। लेकिन जब ऐसा बड़े स्तर पर सभी किसान करने लगे, तो इससे क्या होने लगा, इससे जो कंपनियां हैं उनको घाटा होने लगा, क्योंकि अब उनके बीज नहीं बिक रहे, लोगों ने एक बार ले लिया, फिर वो तो आगे से आगे रोटेशन में चलता जा रहा था। तो ऐसे में फिर कंपनियों ने क्या करा कि ऐसे बीज बनाने शुरू कर दिए जिन बीज का उपयोग केवल और केवल एक बार किया जा सकता था, यानी एक बार अगर आपने फसल बो दी तो तब तो जो है फसल अच्छे से होगी, लेकिन अगर उसी फिर फसल को आप सोचो कि अगली बार वापस बीज के रूप में उपयोग करेंगे, तो फिर वो आपके बीज के रूप में उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण है उसको क्या कर दिया जाता है, कुछ ऐसे रसायन डाल करके नष्ट कर दिया जाता है और उनको बाज बना दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बाज का मतलब क्या होता है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सके, तो वैसे ही जो बीज आगे अगली बार वापस से यूज में नहीं आ सके, ऐसे बीजों को कहा जाता है बाज बीज। और ऐसे ही बीजों का नाम क्या है साइंस में, टर्मिनेटर बीज। तो केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है टर्मिनेटर बीज को, क्लियर, ये बात याद रखना। आ सकता है भाई टर्मिनेटर जीन बीज के बारे में क्या निम्नलिखित में से सत्य है, तो ये केवल एक बार उपयोगी है, ठीक, ये याद रखना। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत, और ये प्यार इसी प्रकार से बना रहे, आप लोगों के प्यार के बदौलत ही आज राजस्थान एकेडमी के साथ में राजस्थान के 34,200 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्यार आपका इसी तरह बना रहेगा और एक दिन जो है यही संख्या कुछ बड़ी होगी, और आप सभी लोग जो है निश्चित रूप से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप लगातार नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। आपके अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट टॉपिक रहा है, तो मिलेंगे उसके साथ में और उसको भी ऐसे ही जल्दी से पूरा कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।